गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में कल हमने चैप्टर थर्ड देखा था, वन एंड मैनी। तो इसमें हमने क्या किया था, बोटल्स और बोटल को आइडेंटिफाई किया था किसके द्वारा, ये वो पोएम को बोल के, यानी कि जब क्या है 10 ग्रीन बोटल्स तो हमने बोटल्स लिखा था, ठीक है, एंड इफ़ वन ग्रीन बोटल, तो इसको इस प्रकार किससे किया था। तो इसमें हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल हम कर रहे हैं, तो यानी कि एक चीज़ के लिए, एक वचन के लिए हम सिंगुलर कहते हैं, और जहाँ पे बहुवचन बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हम प्लूरल बोलते हैं। तो हमने इसकी फर्स्ट रूल हमने देखा था कि कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ क्या लगा के, जो मोस्टली नाउन होते हैं उसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक और एक से ज़्यादा। अगर एक होगी, जैसे एक कार है, अगर टू होगी तो हमने कार में एस ऐड कर दिया तो हो गया कार्स। वन गर्ल है, टू होगी तो हमने यहाँ पे एस ऐड करके गर्ल्स कर दिया। वन बुक है, फोर है तो फोर बुक्स कर दिया। वन कप है, सिक्स कप्स हो गया। वन रैट है, थ्री रैट्स हो गया। वन पेन है, सेवन पेन्स हो गया। अब रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं, तो देखिए अब रूल नंबर सेकंड को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, वी एड ई एस टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस सी एच एक्स ओ और एस एच मेक दम प्लूरल। अब देखिए बच्चा, ये कह रहा है कि जो सिंगुलर वर्ड होते हैं और जिनके लास्ट में एंड में, देखिए जैसे एंड में ऐसा रखा है एस एक्स सी एच ओ और एस एच होता है, तो जो हम उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो उसमें हम ई एस को ऐड कर देते हैं। अब कैसे समझेंगे आप, जैसे यहाँ पे वन बस था, ठीक है, तो लास्ट में क्या है एस, तो हमने इसमें ई एस को ऐड कर देना है। पहले हम केवल एस को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हमने ई एस को ऐड कर देना है, यानी कि टू बसेस। फिर क्या, वन बॉक्स, यानी कि लास्ट में क्या आया ओ, तो यहाँ पे हमने कर देना टू बॉक्सेस, ई एस को ऐड कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्लासेस डबल नहीं एक एस, एस लास्ट में एस है तो सिक्स ग्लासेस ई एस। फिर मैंगो ओ आया तो मैंगोस, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं, देखो वन ब्रश, लास्ट में क्या आया एच, तो यहाँ पे ब्रशेस ई एस। पोटैटो, वन पोटैटो ओ आया, फाइव पोटैटोज ई एस। वन बेंच यानी कि सी एच, तो फोर बेंचेस ई एस। वन टमाटो, नाइन टमाटोज, तो यानी कि हमने क्या याद रखना है इसमें, कौन सा रूल हमने याद रखना है रूल नंबर सेकंड में, कि एस जिसके लास्ट में एस होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, ओ होगा और एस एच होगा, तो वहाँ पे हमने ई एस को ऐड कर देना है, ओके। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं, रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है। तो रूल नंबर थर्ड में है, इफ़ नाउन्स एंडिंग इन वाई वी चेंज इनटू वाई इनटू आई देन ऐड ई एस टू मेक देम प्लूरल। अब जिसके लास्ट में आएगा वाई सिंगुलर में, वाई बेबी, जैसे यहाँ पे बेबी वाई आ रहा है, तो हमने इस वाई को, पूरे वाई को ही हटा देना है और उसकी जगह क्या कर देना है, क्या कर देना है, वाई वी चेंज द वाई इनटू आई एंड देन ऐड ई एस, वाई के बदले हमने आई लिख देना है और उसमें ई एस को ऐड कर देना है। वाई वाई को बिल्कुल हटा देना है, उसकी जगह आई लिख देना है, उसके बाद ई एस को ऐड कर देना है। जैसे वन बेबी वाई था, वाई को हटा दिया है, टू वाई को हटा के हमने आई लिखा और उसमें ई एस ऐड कर दिए, यानी कि टू बेबीज। वन लोरी, तो वाई को हटा के टू लोरीज, आई ई एस, ठीक है। वन लेडी, टू लेडीज, वाई को हटा के आई लिखा और फिर उसमें ई एस को ऐड कर दिया। वन फ्लाई, तो मैनी फ्लाइज, वाई को हटा देना है और आई लिखना है और उसमें ई एस को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमने चेंज करना है। अब इसमें फोर्थ रूल है, इफ़ द
देयर इज अ ए ई ओ और यू बिफोर वाई वी सिंपली एड एस टू मेक देम नाउन प्लुरल। अब देखिए एक बात देखिए, अगर अगर वाई से पहले, याद रखिएगा वाई से पहले या फिर ए आता है, ई आता है, ओ आता है और यू आता है, यानी कि वोवल आते हैं, तो आपने इन वाई को नहीं हटाना है, इस पर सिंपल से एस को ऐड करना है। जैसे डे, तो डे से पहले क्या आया था, यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे वाई नहीं हटेगा, उसके पीछे एस लग जाएगी, यानी कि डेज। की कीज, वाई वाइज, ट्वाई ट्वाइज, क्योंकि वाई से पहले ई आया, वोवल्स आया, फिर यहाँ पे वाई बॉय में बॉय से पहले ओ आया, फिर ट्वाइस में वाई से पहले ओ आया, तो यानी कि इस वाई इन यहाँ पे वाई चेंज नहीं होगा, इनमें एस को ऐड कर देंगे। तो इतने रूल पहले आप ध्यान से समझिए, हमने फोर्थ रूल यहाँ पे पढ़ लिए हैं। फर्स्ट रूल में तो आपने देखा था सिंपल एस ही ऐड होगा, सेकंड रूल में हमने देखा था कि क्या होगा, ई एस हमारा ऐड हो जाएगा, और किस में होगा ई एस ऐड, जिनके लास्ट में एस सी एच एक्स ओ और एस एच होगा। फिर थर्ड में हमने देखा कि जिसमें वाई होगा तो वाई हटा के हम आई लिख देंगे और उसमें ई एस ऐड कर देंगे, और फोर्थ रूल में हमने देखा कि जिस वाई से पहले ए आ गया, ई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया, तो वहाँ पे हमने वाई को नहीं हटाना है, एस को ऐड कर देना है। तो इतने रूल आप ध्यान से देखिए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।